दुआ कर रहा है भगवान से कि ऑनलाइन ही एग्जाम हो। नहीं, पेपर में ये न्यूज़ आई है कि कॉलेजेस के एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नागपुर में बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज यहाँ पे ली गई है रिपब्लिक डे के ऊपर, और उसमें कुछ मतलब छोटे छोटे एक्टिविटीज़ थी, जैसे बच्चों के छोटे मोटे स्पोर्ट्स थे, कुछ साइकिल रैलीज थी, तो वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा गए थे, अभी देख के आए, मतलब रास्ते पे जाते हुए दिख गए थे। तो अभी वहाँ से डायरेक्टली अभी नीरी जा रहे हैं, क्योंकि नीरी में हमको इनवाइट किया था वहाँ का, हमको क्योंकि एक्चुअल में फ्लैग होस्टिंग देखना था, तो हमको वहाँ पे एक फ्रेंड रहता उसने इनवाइट किया था, तो अभी अपन नीरी में जा रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें थी जब बचपन में स्कूल में थे, तो बहुत इन्जॉय किए थे, झंडे वंडे बहुत लिए थे, क्योंकि स्कूल के टाइम में ऐसा रहता था, यही सब चीज़ें थी जो हमने बहुत इन्जॉय किया। सो नीरी में आके अभी चालू हो गया है, मतलब थोड़ा चलना चालू किया, गाड़ी पहले ही रखना पड़ता। और ये सौरभ है जो नीरी में रहता है, और इसने इनवाइट किया था आज नीरी में आने के लिए। तो नीरी में तो हमारा फर्स्ट टाइम है, और इसके पहले भी मतलब 15 अगस्त को हम लोग आने वाले थे, बट आना जमा नहीं था वो टाइम पर, तो इसका 26 ऑफ जैन हमने सोचा था कि जाएंगे करके, और इस बार मतलब होपफुली हमको मिल गया कि अभी इस बार कर सकते हैं नीरी का। तो मतलब नीरी कॉलोनी जो है वो तो बहुत लोगों को पता ही होगा कि है करके, बट अंदर बहुत कम लोगों को आने मिला। और यहाँ पे जो सेलिब्रेशन वगैरह होता है वो मतलब बाहर के लोगों को नहीं पता कि नीरी के अंदर में किस तरीके से होता है। नीरी में कितने साल से हो रहे हैं? मेरे को हो गए 15 साल। 15 साल से हो रहा है, मतलब अटेंड कितने बार किया? मैंने बहुत बार किया है स्कूल टाइम से, हमारे पहले स्कूल से पहले वहाँ जाना रहता था। हाँ, सुबह तो मैंने कम से कम 12 साल तो अटेंड किया, बीच में भी 3 साल कॉलेज वगैरह शुरू था। हाँ, तो नहीं हो पा रहा था, आज पता चला है तो मैं बोला यार सिटी, मतलब आज पता चला तेरे को कि 26 जनवरी है। छब्बीस जनवरी है ये नहीं पता चला, मतलब तेरे को आज पता चला कि है कोविड के वजह से होगा कि नहीं होगा ये कोई वैसा बता ना कि हाँ मेरे को नहीं पता था भाई कोविड ये चीज पता चली है, तो वो पहले तेरे को पता ही नहीं था? नहीं पूछा, क्योंकि डिसाइडेड नहीं हुआ था ना ये यहाँ पे चीज़ देखी हमने, मतलब यहाँ पे ऐसा ये वाटर मैनेजमेंट के लिए ऐसा पूरा प्रोजेक्ट बना के रखा, नहीं पता ये काय का है, बट यहाँ पे जैसा लिखा है रेस्टोरेशन ऑफ उल्हाबित इलॉजिकल यूनिट्स नीरी, तो ये नीरी का कोई प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और ये बहुत अमेजिंग यहाँ पे बनाया है। और ये कॉलोनी मतलब आप लोग अभी कभी आओगे तो इफ़ इनकेस आपका आना हुआ तो ये कॉलोनी बहुत बहुत प्यारा है, मतलब यहाँ पे स्कूल का टाइम बताया गया सुबह होता था कि स्कूल में मतलब हमारे सेलिब्रेशन वगैरह होते थे, तो 26 और 15 अगस्त को हमको बुलाया जाता था, और बेइज्जती करवाने इसका तो पता नहीं, क्योंकि ये पता है कि आज हम लोग आने वाले थे करके सुबह उठा, तो ये खुद ना अटेंड नहीं करता ये सब चीज़ें, और स्कूल के टाइम पे तो मेरे को भी नहीं लगता कि जाता होऊंगा करके। नहीं भाई गए स्कूल टाइम, कितने बार गया? अबे हर टाइम ही जाना पड़ता था, कुछ ना कुछ बहाना दे देते थे ना स्कूल वाले भी, फ्लैग का झंडा वंदन होने के बाद में फिर जाते थे ये बस। अरे कहना क्या चाहते हो? फ्लैग का झंडा वंदन, झंडा वंदन, फ्लैग का झंडा वंदन, नहीं नहीं फ्लैग का झंडा वंदन। तो मतलब स्कूल टाइम का, हाँ यार स्कूल टाइम में मजा भी आती थी, सुबह मतलब वहाँ पे बुलाया जाता था, फिर उसके बाद में वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग वगैरह होती थी, उसके बाद में चॉकलेट वोकलेट मिलता था स्कूल में, तो मज़ा था। और उसके बाद स्कूल छूटने के बाद तो कभी मतलब ऐसा कहीं मिला ही नहीं कि जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग वगैरह देखने मिले।
एंड पूरा कंक्लूड होने के बाद में ये वहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट दिया गया था। रिफ्रेशमेंट बहुत ही अच्छा है, टिश्यूज है, ये एक स्वीट है, ये कप है, ये इमली की चटनी है, ये भी स्वीटी है, तिल पापड़, उसके बाद में ये कचौरी है। तो बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे रिफ्रेशमेंट था और मतलब प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा हुआ, कंक्लूड हो गया अभी पूरा। अभी जब हम नीरी में आए थे तो यहाँ पे हमको भुवनेश्वर सर मिले, तो सर आर्मी में स्पेशल ऑफिसर थे, 28 इयर्स इन्होंने वहाँ पे सर्विस भी दी है। तो सर वहाँ पे जब आप थे तो वहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त का टाइम जब ये सब चीज़ें वहाँ पे होती थी तो उसको किस तरीके से वहाँ पे मनाया जाता था? हम लोग अच्छी तरह सेलिब्रेट करते थे, झंडा का परेड हॉस्टिंग करते थे। इसके अलावा हमारा सेंटर भी होता था जो दिल्ली परेड में हम लोग जाते थे, यूनिट लेवल में भी काफ़ी अच्छी तरह से मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ मैं सर्वे आर्मी में 28 ईयर सर्विस किया, उसके बाद मैं निरी में सिक्योरिटी अफसर ज्वाइन किया। यहाँ पर भी हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को काफ़ी अच्छी तरह से मनाते हैं। 26 जनवरी हम अपने देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसी के रूप में हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए थे। तो वहाँ पे जब ये सब जब त्यौहार हम या फिर आपका जो ग्रुप होंगे उनके साथ जब आप मनाते थे तो एक अलग सा अंदर से हर्ष उल्लास होता था और एक देशभक्ति की भावना जगती थी, तो खुद में एक मोटिवेटेड होता था, कुछ करने की जरूरत उसको होता था। तो अभी जो लोग जैसा जो अभी युवा है जो आर्मी में जाना चाहते हैं, स्पेशल फोर्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि वो मोटिवेट हों और अपने आप को फिट करें, और जितनी भी कठिनाइयाँ आए बहुत सारे, चूँकि कमांडो इतना आसान नहीं होता, नहीं उसके लिए बहुत पेशेंस और बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यही करूँगा, कोशिश एक आशा है, कोशिश कीजिए, आत्मविश्वास को बढ़ाइए, आपका आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए जिसके बल पर आप आगे जा सकते हैं। कुछ करने की तमन्ना हो तो सब कुछ असंभव होता है, कदम तो निकालिए, शुरुआत करते हैं। आपने डिसीजन ले लिया तो आधे जीत आपकी हो जाती है। थैंक यू। फाइनली वहाँ से सब कुछ नाश्ता वगैरह होने के बाद में सर से मिलने के बाद में भी वापस जा रहे थे, और वापस जाते थे ये लड़के को ये टेंशन है कि अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, इसको टेंशन चालू है और ये दुआ कर रहा है भगवान से कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो। नहीं, पेपर में ये न्यूज़ आई है कि कॉलेजेस के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकते हैं, होने वाले हैं कि नहीं ये नहीं पता, बट मेरी दुआ है कि ऑनलाइन पास होते रहूँगा। बराबर है ना, ऑनलाइन ये कोविड ने पता कि अच्छे अच्छे लोगों को निकाल दिया, क्योंकि एमसीयू आ रहे थे ना भाई, एमसीयू के आ रहे हैं, मत रुको निकल जाओ, तो सही हुआ वो एक चीज़ भाई, पास हो गए बोर्ड पे। सचिन भाई तुमने पता है ग्रीन पहने रहते थे ना, सीधे इसको ऐसा बीच में खड़ा करके मैं ऐसा ऑरेंज दिख ही रहा हूँ, ये वाला ग्रीन, अरे ग्रीन है पर इतना नहीं, मैं फुल ग्रीन की बात कर रहा था। ग्रीन है ये इम्पोर्टेंट है, कितना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना है इतना है ना, इतना वो इम्पोर्टेंट है, जितनी कचोरी थी उतना ही है। उसमें इतना मस्त चमचम दिया, मजा आ गई बस। वो कचोरी का नवजात शिशु था, नवजात शिशु ऊपर से बोले कचोरी, इतनी बड़ी कचोरी है उसमें इनको गड्ढा करना है और उसमें चटनी डालना है, बोले इसमें गड्ढा करके इसमें चटनी डालना है। सभी वहाँ से निकल के भी फटाफट से घर जा रहे हैं, कि अभी आज का तो कुछ ज़्यादा सीन नहीं था, जितना चीज़ें देखना था, जितना चीज़ें आप इन्जॉय करना था, आज बहुत अच्छा वेल इन्जॉय कर लिया। और ये 26 जैन बहुत अच्छा रहा, मतलब नीरी में जो एक्सपीरियंस मिला बहुत अच्छा था। सो आपने यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया होगा तो लाइक करके जाओ, शेयर दबा के करो, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दो। मैंने कल ही स्टूडियो में चेक किया, बहुत से लोग ऐसे जिनने अभी तक वीडियो देख तो लिया बट सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो। टिल देन कीप सपोर्टिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिट द पुअर, सेल्फ विद अदर्स एंड टेक केयर। बाय बाय।